उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खरीये से होंगे। आज थर्ड मैच पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का आखिरी मैच T20 सीरीज का, और पाकिस्तान 200 रन करके फिर भी हार गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में है, बहुत फील्डिंग बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हम ये मैच हारे, बॉलिंग जो हमारी एक जगह पर नहीं थी, 200 रन बहुत बड़ा टारगेट था और वो 19 ओवर में चेज हो गया और वो 18 ओवर में चेज करने की कोशिश कर रहे थे। दो माह पहले इंग्लैंड जाके इन सब तैयारियों के बाद पाकिस्तान टीम का कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी परफॉर्मेंस सामने आ रही है। सब कह रहे हैं यंग टीम है, यंग टीम है, यंग लड़कों को चांस मिलना चाहिए, सबको चांस मिल रहा है और कई ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्म करके के बाहर बैठे हुए हैं, उनको चांस मिल रहा है जो डिजर्व ही नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम सामने रखेंगे तो पाकिस्तान टीम ऐसा ही परफॉर्म करेगी। जो लोग परफॉर्म करके जाते हैं डोमेस्टिक से, उनका हक बनता है पहले उनको चांस दिया जाए, तो अगर वो खेलेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा भी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी T20 सीरीज खेलेगा, इतने दो माह की प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, बड़ा कुछ चल रहा था, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहा। तो इन चीज़ों को गौर करें, आगे इन बड़ी सीरीज है पाकिस्तान के लिए, अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी तो पाकिस्तान हमेशा हारता ही रहेगा। तो अगर सबको मिलके चांस मिले और यंगस्टर को चांस दिया जाए तो पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगा।